इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में देर रात पूर्व पार्षद शबाना अयाज गुड्डू और वर्तमान पार्षद रुबीना इकबाल खान के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्ष ने थाना खजराने पर एफआईआर दर्ज कराई। अयाज गुड्डू ने बताया कि मेरे बहू बेटे श्रीनगर से खजराना आ रहे थे, तब रुबीना इकबाल के बेटे शाहनवाज ने मेरी बहू के साथ गंदे कमेंट्स करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की है। भाई के साथ बदतमीजी करते हुए हम पर झूठे आरोप लगाए कि हमने उसके घर जाकर मारपीट की है। वहीं अनीस कुरैशी ने अपने कुछ वकील साथियों को बुलाकर प्रेशर बनाकर हम पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। रुबीना इकबाल ने चर्चा करते हुए बताया कि अयाज गुड्डू क्षेत्र का गुंडा है और राजनीति में हमारा कद ऊंचा होते देख ये हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। थाने में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों ने जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। रुबीना इकबाल इस बात पर अड़ गई कि अयाज गुड्डू और उनके भाइयों को तुरंत गिरफ्तार करो। टीआई ठाकुर ने जब उनसे बोला कि आप अपनी शिकायत लिख कर दो तब कार्रवाई होगी, इस बात से नाराज होकर रुबीना इकबाल और उसके दोनों बेटे शाहनवाज और मोनू टीआई ठाकुर से ही बहस कर विवाद करने लगे। विवाद बढ़ता देख थाने के अन्य पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और खजराना में एक बड़ा विवाद होने से बचाया। यदि टीआई अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेते तो एक बड़ी घटना खजराने में हो जाती। थाने के अंदर रुबीना इकबाल और उसके दोनों बेटों की दादागिरी थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, साथ ही मीडिया कर्मियों के कैमरे में भी घटना कैद हुई। बड़ा सवाल अब यह है कि रुबीना इकबाल और उसके दोनों बेटे जब थाने के अंदर टीआई ठाकुर को कुछ नहीं समझ रहे थे और उनसे बहस कर रहे थे, तब आम जनता के प्रति उसका कैसा व्यवहार होता होगा, ये सोचने का विषय है। आखिर कब तक रुबीना इकबाल और उसके बेटे की दादागिरी का शिकार जनता को भोगना पड़ेगा। राज पलट के बार बार घूर भी रहा था, इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इन्होंने जाके थोड़ा सा इनके घर पे करी और फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोलना और बार बार देखना, तो ये कब तक चलेगा। कितनी बार हो चुका है इस प्रकार से? चुका है ये चीज जी, चार पांच बार वो बोल चुके हैं, पलट पलट के कमेंट्स करते हैं, घूरते हैं बार बार गाड़ी से, हम लोग एक्टिवा से रहते हैं तो मतलब मुझे नजरें नीचे करना पड़ती है बार बार। एक सेकंड का क्रॉस होना हुआ, एक सेकंड ये वीडियो में दुकानदार की लेके आया हूँ कि एक सेकंड में कैसे उसकी वाइफ को छेड़ दूंगा, बल्कि मैंने तो पलट के भी नहीं देखा कि कौन कार से निकला हो। कांच लगे हुए थे कार के अंदर, कार में वो एक्टिवा, अरे एक्टिवा थी नहीं उसकी वो कार, अरे एक्टिवा थी वो भी एक्टिवा थी, ये रहा वीडियो। के बेटों के इस थाने पे दर्ज हो चुके हैं लेकिन इस ओर कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन इनके देवर जो इकबाल इनका देवर है याकूब पाड़ा उस पे भी केस दर्ज है, वो भी अवैध काम करता है, लेकिन इन लोगों की कुछ कार्रवाई इनके ऊपर हो नहीं पाती है। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, इन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि पार्षद में भी रह चुकी हूँ लेकिन कभी आज तक कोई बोल नहीं सकता है कि हम लोग कभी आतंक मचाया हम लोगों ने या किसी चीज़ पे कब्जे करे हैं या किसी की बहन बेटियों को हमने छेड़ा है या गुंडागर्दी करी। आज क्या विवाद? देखिए ये इकबाल खान और उसकी बीवी और उसके बच्चों ने कोई आज का एक दिन का नहीं है, क्योंकि जब से ये पार्षद बने इनको निर्दलीय पार्षद बनने का जो गुरूर और घमंड और तकब्बुर है, जो इन्होंने इतना इन्होंने नंगा नाच रखा है कि आप मुझसे नहीं, आप इस खजराने की आवाम से पूछ लीजिए। INC 24 न्यूज के लिए इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।